This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not again do not take any medicine विदाउट द प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिसनर हैलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिशनरी आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ ये प्रोडक्ट मेरा अजमाया हुआ है और इसे आप भी अजमा सकते हैं बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अक्सर आपने कई सारी दवाइयाँ यूज की होंगी जो आपको पेट की अपज गैस या पेट के फूलने जिसे हम फ्लूटुलेंस बोलते हैं इससे परेशान होकर के कई सारे एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया होगा काफ़ी सारी मेडिसिन तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करती हैं लेकिन उनका मैक्सिमम यूज़ या अधिकतर यूज़ या उनकी हैबिट हो जाना आपके लिए काफ़ी सारे साइड इफेक्ट को भी कॉज करती है लेकिन हमारे आयुर्वेद की सिस्टम के अकॉर्डिंगली बैद का जो गैस बटी है वो एक ऐसा उपाय है जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं ये जो गैस बटी है वो आपकी पेट में बनने वाले गैस की तकलीफ से इंडाइजेशन की तकलीफ से और पेट के फूलना जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट गैसेस इनडाइजेशन ऐसे किसी भी कंडीशन से आसानी से रिलीफ प्रोवाइड कर देता है पेट में गैस बनना बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं जिनके डाइजेशन कराने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैपेबल इनफ नहीं है कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर आपने काफ़ी सारी हैवी डाइट ले ली है और उसके बाद एक एक्सेस में पानी को भी पी लिया तुरंत तो ये गैस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जैक्टली exactly अगर आप समझना चाहें तो एक अनरिलेटिव डायग्राम से हम समझ सकते हैं वो डायग्राम ये कहता है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की फायर है आग लगी हुई है इसमें आग लगे हैं इसमें अगर आपने अचानक से पानी डाल दिया तो ये आग तो बुझ जाएगा लेकिन ये धुआं निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूमिंग कॉज करेगा लगभग इसी तरीके से समझने के पर्पज़ से हम इसको समझ सकते हैं हमारे पेट में जो एसिड निकलते हैं इनका काम होता है आपके फूड को जिसे आपने कंज्यूम किया है इसे डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करना जब खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो इस तरह के जो जूस हैं उनका डायल्यूशन होना शुरू हो जाता है और काफ़ी मात्रा में गैस बनने के चांसेस होते हैं इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि खाना खाने के कुछ देर तक पानी आपको नहीं पीना चाहिए सो वजह कोई भी हो प्रॉब्लम कोई भी हो सॉल्यूशन उनमें से एक है आपका वैद्यनाथ का गैसान तक बटी इसके कंटेंट क्या क्या हैं इसे भी आप देख सकते हैं और इसे इजीली अपने घर में इंडिविजुअल तरीके से भी यूज कर सकते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा दिस इज कम्पलीटली आयुर्वेदिक प्रोप्योरिटी मेडिसिन तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर हैं सो so इसके जो मेन कंस्टिटुएंट हैं वह है आपका शंख भस्म और इसके साथ साथ मेन जो कंस्टिट्यूंट है यह है आपका अजवाइन ये जो अजवाइन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ट्रस्ट मी इसे आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं अगर आपके घर में अजवाइन है और आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा अजवाइन भी खा सकते हैं अजवाइन को सौंफ के साथ मिला करके थोड़ा सा काला नमक डाल करके भी आप नींबू के साथ मिला करके खा सकते हैं या इसी के अजवाइन के किसी अदर फॉर्म में प्रोडक्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा अजवाइन के साथ इसमें सोट भी है ड्राइड अदरक का जो फॉर्म होता है उसे हम सोट कहते हैं इसमें काला नमक है ये सारे जो इन्ग्रीडियंट हैं वो आपके डायजेसिव

चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो आपकी इलायची हो या फिर आपके इस तरह की हींग हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेंगे इसके साथ इसमें है आपका चित्रक मूल पीपल मूल या इसके साथ और मेन चीज़ों को देखेंगे तो यावास्कर हर्रा जिसको हम लोग हर्रा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जनरल लैंग्वेज में छोटी वाली हर्रा होती है वो यूज़ कर सकते हैं लहसुन इसमें रखा हुआ है थर्टी फाइव एम जी ईच इनमें जितने भी कंटेंट के बारे में मैंने आपसे कहा उन सब का 35 फाइव एम यूज़ किया गया है और जो नौसादर है ये 70 एम यूज़ किया गया है भावना नींबू रस ग्यापत्रा इन सब को भी इनमें ऐड किया गया है इन सब के बारे में डिटेल आपको किसी भी फोग्नोसी के वीडियो से मिल जाएंगे या उनके बुक से ज़्यादा डिटेल लेना चाहें तो आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बट ऊपर के जो कंटेंट मैंने आपको बताया है वो बहुत ही कॉमन और मेन इन्ग्रीडियंट में इन 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 से है अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो वन टू टू टैबलेट ट्वाइस अ डेली with water or as advised by the physician. अगर आप इसे किसी आयुर्वेदिक वैदिक डॉक्टर के सजेशन से ले रहे हैं तो उनके सजेशन को फॉलो करिए या अगर आप इसे इंडिविजुअली ले रहे हैं तो इसे दिन में एक से दो टैबलेट लिया जा सकता है पानी के साथ और अगर इसे ऐसे ही आप बिना पानी के एक ट्यूबेल टैबलेट के फॉर्म में लेंगे तो भी उससे कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है ये दवाई काम करेगी इसकी तो पूरी पूरी संभावना है इंडिविजुअल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बाकी ये काफ़ी यूजफुल है इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है कि एक से दो टैबलेट आप दिन में दो बार गुनगुने पानी नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं

ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम केस में जो आयुर्वेदिक प्रिपोरिटी मेडिसिन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लंबा लेते हैं लेकिन जब ये अपना क्योरेक्ट इफेक्ट दिखाते हैं तो यह बायरूट इसको साफ कर देते हैं प्रॉब्लम को सो दिस प्रोडक्ट कैन बी ट्राइड बाई योर सो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक केयर